गाइस, वेलकम टू माय चैनल लता स्टडी कॉर्नर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्फेरिकल स्प्रिंग बाय स्टैटिकल एंड डायनामिकल मेथड एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब हम आते हैं अपने एपरेटस के पार्ट में। तो एपरेटस के पार्ट में हमें सबसे पहले जरूरत होगी एक टेलीस्कोप, स्टॉप वॉच एंड एक स्प्रिंग विद वर्टिकल स्केल, लोड ऑफ अननोन मासेस। थ्योरी के पोर्शन पे आते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा डिनोट किया जाता है के से, एंड इट इज आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन किया हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन इट। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय टू मेथड एज पर स्टैटिकल एंड डायनेमिक मेथड। तो उसके बाद मैंने फॉर्मूला यूज बताया कि हम स्टैटिकल मेथड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डायनेमिकल मेथड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिकल मेथड की बात करते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले कि के इज इक्वल टू एम जी बाई एल। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि के, कैपिटल एम, जी और एल क्या है। बाई ग्राफिकल मेथड तो हम के को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि के इज इक्वल टू जी बाई स्लोप, और जो स्लोप हमारा क्या है, स्लोप इज इक्वल टू एल बाई कैपिटल एम। अब हम आते हैं अपने डायनेमिक मेथड में। तो डायनेमिक मेथड में हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई। उसके बाद मैंने बता दिया कि एफ क्या है, वाई क्या है और के क्या है। अब हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट कैपिटल एम प्लस एम ई बाई के होता है। जब हम दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब बाई ग्राफिकली मैथड तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि के इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्लोप। उसके बाद मैंने बता दिया कि एम ई क्या है हमारा और कैपिटल एम क्या है। एम ई हमारा एक इफेक्टिव मास ऑफ द स्प्रिंग है, जबकि हमारा कैपिटल एम है मास अटैच्ड इन द स्प्रिंग। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंट। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर पार्ट, hang the spring AB vertically from a rigid support. The lower end of the spring should have a hanger or a scale pan with a pointer attached to it. Set up a vertical meter scale with the help of a stand and a clamp so that the position of the pointer can be read on it. Take care that the scale is not touching the pointer. सो गाइस, मेरे अभी कॉलेजेस ओपन नहीं है तो मैं अभी लैब नहीं जा सकती, तो मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल लैब में ही बता रही हूँ। तो ये वर्चुअल लैब डेवलप की गई है अमृता यूनिवर्सिटी अंडर द रिसर्च ग्रांट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया कि सिलेक्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में हमें तीन ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट स्प्रिंग इज लुक लाइक दिस एंड द सेकंड स्प्रिंग इज लुक लाइक दिस एंड द थर्ड स्प्रिंग इज लुक लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्प्रिंग करती हूँ। उसके बाद हमें गिवन है कि चूज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में हमें यहाँ पे अर्थ ही चूज़ करना है। उसके बाद हमें लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि चेंज हैंगिंग मासेस, और ये 50 ग्राम दिया हुआ है। 50 ग्राम वो मास है जब हमारा कोई भी लोड नहीं है, कोई भी हैंगिंग मासेस नहीं है अटैच, तो तब हमारी वो रीडिंग कर रहा है जीरो शो। तो सबसे पहले हमें विद नो लोड इन द पैन एंड नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द पॉइंटर, तो वो हमारी जीरो शो कर देगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि हाफ के जी बढ़ाना है और उसकी क्रोस्पॉन्डिंग रीडिंग्स यहाँ से हमें नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद हमें हाफ के जी और इंक्रीज करते जाना है जब तक हमारा वो 250 ग्राम ना हो जाए। 250 ग्राम होने के बाद हमें डिक्रीज करना है मास, रिड्यूस करना है मास, और जो भी हमारी क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंटर रीडिंग्स आ रही है वो नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद हमें फाइंड करना है मीन एक्सटेंशन लेंथ एल फॉर ईच लोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन द लोड एम अलोंग एक्स एक्सिस एंड द एक्सटेंशन एल अलोंग वाई एक्सिस। अब हम आते हैं अपने डायनेमिक मेथड में। डायनेमिक मेथड में हमें क्या करना है कि हाफ के जी हमें मास यहाँ पे अटैच कर देना है, और उसके बाद हमें वर्टिकली डाउनवर्ड हमें उसे खींचना है और फिर उसे रिलीज़ कर देना है। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे तो हमें नोट डाउन करना है टाइम फॉर 25 वाइब्रेशंस, कि उसे कितना टाइम लग रहा है 25 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में। तो आप वहाँ से टाइम नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगेन आप इसका मास इंक्रीज करेंगे और ये करते ही जाएंगे जब तक आपका 250 ग्राम मास ना हो जाए इन टोटल। और आप उन सबकी ईच क्रॉसपॉन्डिंग आपको टाइम नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद आपको फाइंड करना है मीन टाइम पीरियड कैपिटल टी, और उसके बाद आपको लास्टली प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन द लोड एम अलोंग एक्स एक्सिस एंड टी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस। इस तरह हमारे दोनों स्टैटिकल एंड डायनेमिक मेथड कंप्लीट हो जाएंगे।
नाउ कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन पार्ट, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि पॉइंट ऑफ रीडिंग फॉर नो लोड इज एक्स वन इक्वल्स टू जीरो मीटर। सबसे पहले मैंने स्टैटिकल मेथड की ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सीरियल नंबर, लोड, लोड को मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया है, कैपिटल एम हमारा हैंगिंग मास है एंड इसकी यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ रीडिंग, पॉइंट ऑफ रीडिंग को मैंने एक्स टू से डिनोट किया हुआ है, लोडिंग इंक्रीज एंड लोड डिक्रीजिंग। लोड इंक्रीजिंग मीन्स जो भी हमारा हैंगिंग मास, जो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारा पॉइंटर है वो कितनी रीडिंग शो कर रहा है। सिमिलरली जब हम मास अपना डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तब हमारा पॉइंटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद हम उसका मीन निकाल लेंगे और एक्सटेंशन हमें पता है कि एल इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स वन तो हमारा जीरो होता है, तो बेसिकली जो भी हमारा एक्स टू होगा वही हमारा एक्सटेंशन होगा। लास्ट कॉलम में मैंने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बारे में बताया कि के इज इक्वल टू एम जी बाई एल, हमारा ये फॉर्मूला होता है और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। तो दिस इज द रीडिंग फॉर स्टैटिकल मेथड। अब हम आते हैं अपने डायनेमिक मेथड पे। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.01 सेकंड। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं, तो सीरियल नंबर मैंने सबसे पहले कॉलम में लिखा है, फिर नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है लोड और उसे मैंने डिनोट किया है एम से। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है कि टाइम 425 वाइब्रेशन एंड टी वन एंड टी टू। तो टी वन हमारा वो टाइम है जब हम मास इंक्रीज कर रहे हैं और टी टू हमारा वो टाइम है जब हम मास डिक्रीज कर रहे हैं। मेरा मास का यहाँ पे मतलब है कि हैंगिंग मास। उसके बाद मैंने यूनिट लिख दिया यहाँ पे, फिर टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू डिवाइड बाई 50। अभी 50 कैसे आया, 25 फॉर टी वन एंड 25 वाइब्रेशन फॉर टी टू, तो टोटल वाइब्रेशन हमारे पास कितने हैं 50। उसके बाद हम टी टू स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और फिर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल टी स्क्वायर। उसके बाद हम सबकी यूनिट लिख देंगे। अगेन हम ये सारी हमारी 5 रीडिंग्स हैं और हम इन सारी रीडिंग्स को पुट करेंगे के की राइट हैंड साइड में और हम कैलकुलेट करेंगे के, जो कि अगेन हमारा 35 न्यूटन पर मीटर आया। नेक्स्ट कमिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट, तो सबसे पहले हम स्टैटिकल मेथड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है कि k इज इक्वल टू एम जी बाई एल, तो हम k1, k2, k3, k4, k5, 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए हम k's फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है g इज इक्वल टू के एल बाई एम, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें g की वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम डायनेमिक मेथड पे आते हैं। हमें फॉर्मूला पता है k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली एंड हम कैलकुलेट कर लेंगे रिस्पेक्टिव स्टेयर केस। तो ये कैलकुलेशंस है। सो अब हम आते हैं अपने ग्राफ के पार्ट पे। तो सबसे पहले मैंने स्टैटिकल मेथड के लिए ग्राफ बनाया बिटवीन एल एंड एम। इन बाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 यूनिट, वेयर इज इन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.05 यूनिट। उसके बाद आपको स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है यहाँ से और हमारा के यहाँ पे अगेन 35 न्यूटन पर मीटर आ रहा है। सिमिलरली फॉर द डायनेमिक मेथड मैंने ग्राफ बनाया बिटवीन टी स्क्वायर एंड एम। इन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.05 यूनिट, वेयर इज इन वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.05 यूनिट। उसके बाद मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख लूँगी और कैलकुलेट कर लूँगी स्लोप और के यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगी, के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्लोप। अगेन हमारा के आ जाता है 35 न्यूटन पर सेकेंड। तो ये ग्राफ है फॉर द डायनेमिक मेथड। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट के पार्ट पे। तो सबसे पहले पॉइंट बना के लिखे हम द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग इज 35 न्यूटन पर मीटर बाय डायनेमिक मेथड एंड 35 न्यूटन पर मीटर बाय स्टैटिकल मेथड। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर के पार्ट पे। फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग शुड बी वर्टिकल। सेकंड, द स्केल शुड बी वर्टिकल एंड शुड नॉट टच द पॉइंटर। थर्ड, द स्प्रिंग शुड नॉट बी स्ट्रेच बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। Fourth, the amplitude of vertical oscillation should be small. Fifth, the spring should oscillate vertically and at any other motion should not be there. So these are the precaution and the source of the error of this experiment. Thanks for watching. Subscribe to my channel for more such content and don't forget to like, comment and share.